कमीज तेरी काली, कहाँ हो तुम, चले आओ मोहब्बत का तकाजा है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है, कहाँ हो तुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफ्साह खालिद और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी हसीन शख्सियत से करवाने जा रही हूँ जो कि हसीन होने के साथ साथ गाती भी बहुत अच्छा है। जी, इनका नाम है महक अली। महक अली कुछ रोज़ पहले टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क पे छाई हुई थी जब उनकी पिक्चर उनके फेमस बिलबोर्ड पर पब्लिश की गई थी। महक से आज हम जानेंगे कि उनका सिंगिंग करियर में एक्सपीरियंस कैसा रहा और आगे की मजीद उनके क्या प्लान्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। और बिलबोर्ड के बारे में मैं बताना चाहूँगी, मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ वुमेन क्रिएटर्स को, औरत जो कि किसी भी फील्ड में काम कर रही है, जितनी भी मेहनत कर रही है उसके काम को अप्रिशिएट करने के लिए, तो मैं उनकी एक महीने के लिए एम्बेसडर हूँ। बल्कि मैं ये हमेशा कोशिश करती हूँ, मैं पूरी ज़िंदगी करती रहूँगी, लेकिन मुझे रिकग्नाइज किया गया, बिलबोर्ड लगा, तो आई एम द एम्बेसडर ऑफ स्पॉटिफाई इक्वल की। यू आर द फर्स्ट पाकिस्तान फीमेल आर्टिस्ट जो कि टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क पे जिसकी पिक्चर लगी हुई थी और छाई हुई है पूरी दुनिया पे। जब आपको पता चला कि आप वहाँ पे डिस्प्ले की जा रही हैं, आपका टैलेंट प्रमोट किया जा रहा है, यू आर प्रमोटिंग वुमेन ऑफ पाकिस्तान, कैसी फीलिंग थी आपकी? ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब मुझे हर जगह से मुबारकबाद मौसूल हो रही है, इंडिया से मैसेजेस आ रहे हैं, लोग ट्वीट्स कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं उनको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, वुमेन को और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैंने स्पॉटिफाई के लिए, स्पॉटिफाई पाकिस्तान के लिए एक कलाम किया था जो कि लिखा अली जरीन ने और उसका म्यूज़िक बिलाल वाजिद ने बनाया और हमारी टीम राहील मिनाज, तो मैं इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपकी तो एक्साइटमेंट का अंदाज़ा हमने आपके एक ट्वीट से ही लगा लिया था जहाँ पर आपने अपनी पिक्चर वहाँ पर पोस्ट की हुई थी। सो जब आपको लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशंस और हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन बेस्ट विशेस विश की, और आपको डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ भी आई होंगी सबको देखने के बाद, नॉट ओनली फ्रॉम पाकिस्तान बट इंडिया एज वेल, क्या मोमेंट था वो आपके लिए? मैं ये भी ऐड ऑन करना चाहूँगी कि मुझे 9 साल हो गए हैं, तो बाकी बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद एक रात की गेम है और फ़ौरन सुपरस्टार बन जाते हैं, आप ऐसा नहीं है, मुझे 9 साल लगे हैं, मैंने मेहनत की है, म्यूज़िक सीखा है और फिर मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ। बेशक शैतान मूवी, इंडियन मूवी है ये एक, उसके अंदर आपका एक सॉन्ग था, तो जब आपको उन्होंने अप्रोच किया, आपका इंडियंस के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? बड़ी मज़े की बात है क्योंकि मैं फोक पंजाबी और सूफी गाती हूँ, तो मेरी इंडिया पंजाब से बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ैन फॉलोइंग है और लोग बकायदा मुझे मैसेजेस आते हैं, इवन के रेडियो से भी मैसेजेस आते हैं, जो उनका मिर्ची म्यूज़िक रेडियो बड़ा फेमस है, कि लोग मैसेज करके बकायदा आपका गाना लगवाते हैं, कॉल्स करके कहते हैं कि मैं है कहीं सॉन्ग लगा दें। जो आपकी वहाँ पे फ़ैन फॉलोइंग है, कभी किसी ने अप्रोच करने की कोशिश की आपको? किस लिहाज से? हर लिहाज से, मिलना चाहते हैं, हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। कई दफ़ा हो जाता है ना इरिटेट, अनॉय करना लोग शुरू कर देते हैं, ठीक है फ़ैन फॉलोइंग अपनी जगह है लेकिन एक लिमिट तक वो अच्छा लगता है। हाँ, प्रपोजल्स भी आए हुए हैं इंडिया पंजाब से ही। ऐसा कैसे हो सकता है, एक लड़की हो, लड़की के लिए प्रपोजल्स ना आए? हाँ ये बिल्कुल है, होते हैं, फैंस भी होते हैं, लेकिन मैं बड़े अच्छे तरीके से सबको मैं रिप्लाई करती हूँ और मैं दिल आजारी नहीं करना चाहती किसी की, क्योंकि मैं प्यार करती हूँ और उन्हीं की वजह से हम आर्टिस्ट हैं। और वो पिक्चर की जो आप बात कर रही थी वो एक इमोशनल मोमेंट था, मैं 2 साल पहले न्यूयॉर्क में थी, उसी सेम जगह पर खड़ी थी जहाँ पर मेरा बिलबोर्ड लगा हुआ है। बिल्कुल, वो देख के ही आपकी एक्साइटमेंट लेवल, आपका प्राउड, एक प्राउड मोमेंट था पाकिस्तान के लिए, शुक्रगुजारी का वक्त था, मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। और फिर उसके बाद मतलब 2 दिन तक मैं फ़ोन मेरा ऐसे था जैसे फट जाएगा, इतनी नोटिफिकेशन, इतने मैसेजेस स्टिल आ रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आगे आने वाले हैं, फीचर कर रहे हैं बहुत सारे लोग, तो काम इंशाल्लाह और भी आएगा, मेरा नया गाना भी आ रहा है। बिल्कुल, वो ईद पर रिलीज़ हो रहा है, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। बिल्कुल, वो नैना सॉन्ग है और तौकीर भाई ने इसके लिरिक्स लिखे हैं, डीजे मुस्तफ़ा बहुत अच्छा म्यूज़िक बनाते हैं, उनका म्यूज़िक है और नमान भाई ने इसका वीडियो किया, राहील जो मेरे पार्टनर हैं, मेरे मैनेजर भी हैं, तो उन्होंने इसका, वो इसके प्रोड्यूसर हैं, मतलब होल इस पूरी चीज़ के, तो ये गाना ईद पर रिलीज़ हो रहा है, इसका टीज़र मैंने निकाल दिया हुआ है, तो लोग उसको भी बहुत प्यार दे रहे हैं। चलिए, वी आर होपफुल कि वो गाना जल्दी जल्दी रिलीज़ हो, टीज़र तो सभी बहुत पसंद कर रहे हैं, हम भी गाना सुने और हम भी ईद अपनी इंजॉय करें। बहुत मज़े के प्रोजेक्ट्स हैं, अभी नहीं सारा कुछ रिवील करूँगी। एक मेरा ड्रामे के लिए भी ट्रैक आ रहा है जो कि बिल्कुल डिफरेंट है,
तो मज़े की बात ये होती है, आप कहीं भी जाके काम रिकॉर्ड करवा रहे हैं तो आपका आपके वोकल टोन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो बहुत से ऐसे अच्छा काम करने वाले प्रोड्यूसर्स हैं तो उनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं भी बताऊंगी नहीं वो कौन सा गाना है। मतलब इसको हम सीक्रेट रखेंगे, राइट? हम यहाँ पे भी रिवील नहीं करेंगे, इंतज़ार करें। बिल्कुल बिल्कुल इंतज़ार करेंगे। और थैंक यू सो मच सब फैंस का जो मुझे इतना प्यार दे रहे हैं स्टिल, बहुत शुक्रिया आप सबका। आप मिर्ची अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेट हुई हैं, BBC एशियन म्यूज़िक अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेट की गई हैं, सो कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है? अच्छा, जब आप कुछ अचीव करते हैं ना एक दफ़ा, तो आपके कंधों पे रिस्पांसिबिलिटी बढ़ जाती है, उसको मेंटेन करना होता है। और मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ स्टिल, मैं कोई भी काम करती हूँ मुझे, मैं हमेशा अपने काम में खुद नुक्स निकालती हूँ और मैं सेटिस्फाइड नहीं होती। कोई मानेगा नहीं, मैं गाना रिकॉर्ड करवा के सब तारीफ़ें कर रहे होते और मैं नहीं सुनती हूँ गाना अपना। किस पॉइंट पे आप अपने आप को देखती हैं, क्या अचीव करना चाहती हैं मज़ीद आप अपनी लाइफ में? मैं ख़ास तौर पे पाकिस्तानी कल्चर को लेके निकली हूँ, मैं पाकिस्तान का जो ओरिजिनल था ना उसको दिखाना चाहती हूँ। और कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आगे बढ़ने की कोई भी उम्र नहीं होती, आप किसी भी उम्र में अचीव कर लेते हैं अपनी मंजिल को। तो मैं अच्छा काम करना चाहती हूँ और अच्छा म्यूज़िक करना चाहती हूँ लिरिक्स के हिसाब से। मैं लिरिक्स के बारे में बहुत चूज़ी होती हूँ, जब कुछ लिखा जाता है तो मैं बहुत उसको, कोई भी, मैं मोस्टली सूफ़ी गाती हूँ, बाबा बुल्ले शाह, वारिस शाह, तो इनके कलाम को मैं जब पढ़ती हूँ ना तो जब तक मैं खुद उसको समझ ना लूँ मैं नहीं गाती। मैं उसके बारे में पूरा रिसर्च करती हूँ, पढ़ती हूँ, टाइम लेती हूँ, फिर काम करती हूँ। आपने बताया कि आप लिरिक्स को बहुत ज़्यादा फोकस रखती हैं, कभी कोई ऐसी आपके पास लिरिक्स आए हों जो आपने पढ़ के गाओ कि ये क्या है, ये तो मैं ही नहीं समझ पा रही, तो मैं इस पर फील कैसे लेकर आऊँगी, कभी ऐसा हुआ? बिल्कुल बहुत दफ़ा ऐसे हुआ, बल्कि रिसेंटली एक प्रोजेक्ट है, मैं उसके बारे में सोच रही हूँ मुझे करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आप फेम का चक्कर जो होता है ना, लाइक सब हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं हर अरूज को जवाल भी है, तो आपको सिलेक्टिव होना चाहिए अपने काम के बारे में। अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको मेंटेन करने की पूरी कोशिश करें, अल्लाह इज्जत देने वाला है और जिसको अल्लाह ने इज्जत देनी है कोई रोक नहीं सकता ना। काम करें लेकिन क्वालिटी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। आपके फ्यूचर में जो एम है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम योर सिंगिंग, जैसे आप ख़वातीन के लिए, जैसे आपने बताया कि आप काम करती रहती हैं उनके लिए, आवाज़ उठाती हैं, क्या कहेंगी? मैं इसके बारे में जितने भी हमारे आने वाले हैं स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जो म्यूज़िक करना चाहते हैं, प्लीज़ ज़रूर करें, लेकिन पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़े हुए हैं तो म्यूज़िक आप अपने पैशन के लिए करें, जब लालच आ जाती है ना काम में तो उसमें बरकत उठ जाती है। और फ्यूचर में मेरा प्लान है, जितनी भी लड़कियाँ जिनको प्लेटफॉर्म नहीं है, पाकिस्तान में बहुत कम प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे आप म्यूज़िक या आर्ट सीख सकते हैं, तो मैं एक म्यूज़िक स्कूल बनाऊँगी जिसमें जो हमारी लड़कियाँ हैं वो सीख सकेंगी फ्री। वाओ, काफ़ी अच्छी सोच है आपकी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि पाकिस्तान में अक्सर देखा जाता है कि टैलेंट को प्रमोशन नहीं मिलती है और वेस्ट हो जाता है, ऐसा है। और एक और मेरा बिलीव है कि अगर आप, उस्ताद जी मेरे हमेशा कहते हैं कि नंबर वन कोई नहीं होता है, तो नंबर वन की जगह हमेशा खाली है। अगर मुझे लग रहा है, किसी और को ऐसा लग रहा हो कि नंबर वन मैं हूँ इस वक्त, तो ऐसा नहीं होता, नंबर वन कोई और भी हो सकता है, आज मैं हूँ कल कोई और होगा उसके बाद कोई और होगा, तो एक लाइन है उस लाइन में रहना ज़रूरी है। आप अगर आप दौड़ नहीं सकते तो आप चलें, आप चल नहीं सकते तो आप रेंगते ज़रूर रहें, लेकिन लाइन में रहें, काम करते रहें। चलें, ये तो हो गई आपने एम की बात। एक और चीज़ आपसे मैं जानना चाहूँगी, हर इंसान का कोई ना कोई फेवरेट होता है जिसको वो फॉलो करता है, उससे इंस्पायर होता है, आपकी फेवरेट सिंगर या फेवरेट सिंगर कौन से हैं? क्योंकि मैं वुमेन क्रिएटर्स को ही आगे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो एक बहुत लंबी लिस्ट है, मैं बताना शुरू करूँगी ना शायद पूरी रात निकल जाएगी। मैडम नूर जहाँ, रेशमा जी, टीना सानी जी, इकबाल बानो, नैयरा नूर जी, फरीदा खानम जी, मतलब इन सारी हस्तियों को सुनते हुए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और ये मेरी फेवरेट है और हमेशा रहेंगी। मैडम नूर जहाँ का तो मुझे 100% श्योर था कि आप उनका नाम ज़रूर लेंगी, क्योंकि अभी तक उनको लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं। कहते हैं ना कि आर्टिस्ट चला जाता है दुनिया से, लेकिन उसका जो आर्ट और उसका नाम हमेशा ज़िंदा रहता है और उसके काम की वजह से ज़िंदा रहता है। आप मैडम नूर जहाँ की गायकी हर लिहाज से सुन लें, गज़ल सुन लें, आप उनका कमर्शियल काम सुन लें, आप उनके वेडिंग नंबर सुन लें, मतलब हर तरह की गायकी में वो बहुत डिफरेंट थी। क्योंकि वुमेन क्रिएटर्स की बात हो रही है तो बांदी का मैं जिक्र करूँगी। बांदी मेरा सॉन्ग है जो मैंने तमाम ख़वातीन को डेडिकेट किया था, और ब्लेसिंग की बात यह है कि उसके लिए आबदा परवीन जी ने मुझे कमेंट्स दिए थे और उन्होंने मुझे दुआएँ दी थी, तो मेरे लिए वो हमेशा मेरे दिल के करीब रहेंगी। बेशक, इसमें तो कोई शक नहीं है कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और ख़वातीन के लिए आवाज़ उठाना ये तो सब ख़वातीन का ही क्या, हमारे मर्दों का भी फ़र्ज़ है कि उनके भी रिस्पेक्ट करें, उनकी केयर करें। और मैं उन ख़वातीन में से हूँ जो कि प्रमोट करती हैं पढ़ाई को, औरत के मुकाम को, औरत पढ़े, चाइल्ड अब्यूज़ ना हो। मैं बिल्कुल उन औरतों में से नहीं हूँ जो कहती हैं कि अपना खाना खुद गर्म करो, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब शायद इसके बाद मुझे
मेरे खिलाफ हो जाएंगी, कुछ तो ऐसा नहीं है। आप प्लीज़ तालीम को प्रमोट करें। औरत का हक क्या है कि उसके हकूक़ पूरे किए जाएँ, उसको विरासत में हक मिले, वो काम की जगह पर जहाँ पर काम कर रही है उसको बराबरी मिले, उसको पे सेम मिलनी चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है, जो कि असल फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट भी है। बिल्कुल, और जितने कॉन्सेप्ट्स मर्दों को मिलते हैं उतने ही औरतों को भी मिलने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ये जो सड़कों पे निकल के औरत का पहिया चलने दो, वो कौन से पहिए हैं जो उन्होंने चलाने? आई डोंट फॉलो दिस काइंड ऑफ ट्रेंड्स, और मैं इन चीज़ों को बिल्कुल फॉलो नहीं करती हूँ। जो आप काम कर रहे हैं ना, पॉजिटिव काम खास तौर पर, तो आपका ज़रूर दिखेगा, ये सब करने से कुछ नहीं होता है। महक, आपसे बात करके हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। गायकी के साथ साथ वो तो आपकी कमाल है कि जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी आपकी सोच है। आप पढ़ाई को प्रमोट करना चाहती हैं, जो कि बेसिक नेसेसिटी है हमारी आज के दौर में, और आने वाले दौर में भी पढ़ाई को ही फोकियत दी जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल ऐसे ही, और मैं इसको जितना मेरे में हिम्मत हुई जब तक ज़िंदगी है, मैं ज़रूर करूँगी, और उन सब लोगों के लिए जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, ख़ास तौर पर उनके लिए, इवन के मैं जो हमारे राय उनके लिए भी मैं काम करूँगी इंशाल्लाह। बहुत अच्छी सोच है आपकी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह आपकी इस सोच को बरकरार रखे और आप जो चाह रही हैं वो ज़रूर पूरा हो इंशाल्लाह। एंड पे मैं चाहूँगी कि आप हमें कुछ गा के सुनाएं। ज़रूर, नैयरा जी का बात उनकी बात हो रही थी तो उनका एक गज़ल है, सॉरी नैयरा नूर जी की बात हो रही थी तो उनकी गज़ल है, तो उनकी कुछ लाइन्स मैं गाऊँगी। कहाँ हो तुम, चले आओ, मोहब्बत का तकाजा है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। कहाँ हो तुम, चले आओ, मोहब्बत का तकाजा है, कहाँ हो तुम। वाओ, आपकी आवाज़ जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है, कि जो भी सुनता है इस आवाज़ में खो जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका जो आने वाला गाना है वो भी लोगों के दिलों पर राज करेगा और छा जाएगा पूरी दुनिया में, जैसे कि आप पूरे महीने के लिए छाई हुई हैं। यंगस्टर्स के लिए एक पैगाम देना चाहूँगी कि काम हमेशा अपनी तस्कीन के लिए करें, कभी भी ये सोच के काम मत करेंगे कि मैंने हिट होने के लिए काम करना है। जब आप अच्छा काम करते हैं तो वो सब तक पहुंच जाता है, आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ती, और अगर मांगना ही है तो प्लीज़ अल्लाह से मांगें। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सो नाज़रीन, ये थी महक अली। मैं उम्मीद करती हूँ कि इनका नया आने वाला गाना आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, उसको ज़रूर सुनिएगा, उसको ज़रूर प्रमोट कीजिएगा। और जैसा कि महक अली ने कहा कि उनके मज़ीद भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो कि अभी वो रिवील नहीं करेंगी हमारे साथ, उसका भी बेसब्री से इंतज़ार कीजिए, क्योंकि आप लोगों को बहुत जल्द ही कुछ बहुत अच्छा सुनने को मिलने वाला है। मज़ीद वीडियोज़ के साथ हम फिर हाज़िर होंगे। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।